नमस्कार दोस्तों, हम कैसे सीखते हैं? ज्यादा नींद आने लगे या स्ट्रेस बढ़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? मल्टीटास्किंग क्यों नुकसानकारक है? कुछ भी नया सीखना या दोहराना हमारे माइंड को क्यों आसान लगता है? अगर आप हमारे पावरफुल ब्रेन के इसी तरह के अटपटे क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं तो यह वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम फेमस न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स की समरी जानने वाले हैं, जो बुक में ऑथर ने ब्रेन के 12 रूल्स को साइंटिफिक रिसर्च के साथ बताए हैं। अगर आप ये 12 रूल्स को सीख जाए तो आपका ब्रेन किस तरह से काम करता है वो पूरी तरह से आप समझ जाएंगे, जिससे आप आपके ब्रेन के पावर को दुगना कर दोगे और किसी भी समस्या को आप पल भर में सुलझा सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं सबसे पहला रूल्स। रूल्स नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वज आदि मानव किस तरह से जीवन जीते थे? हमारा दिमाग कैसे विकसित हुआ है? उसका सीधा प्रभाव उस बात से निर्भर करता है कि हमारे पूर्वजों ने अपना समय कैसे व्यतीत किया था। माना जाता है कि आदि मानव प्रतिदिन 10 से 20 किलोमीटर तक हर दिन चलते या दौड़ते थे। उसका मतलब यह है कि हमारा ब्रेन तब डेवलप नहीं हुआ जब हम सिर्फ आलसी होकर बैठे रहे हैं, पर तब जब हम व्यायाम करते थे, चलते थे, दौड़ते थे। एक्सरसाइज करने का फायदा यह है कि आपके शरीर की पाचन प्रणाली मजबूत होती है, जिससे आप जो भोजन करते हैं उसमें से आपको ज्यादा एनर्जी प्राप्त हो जाती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आप शरीर में ब्लड फ्लो का संचार बढ़ाते हैं। उसके साथ ही आपका शरीर नई रक्त कोशिकाओं का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देता है, जिससे आपके रक्त के कणों को अपना काम करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना हो या शरीर के बिन जरूरी कचरे को शरीर से दूर करना हो। इसीलिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो न केवल आप बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि आप अधिक प्रभावी ढंग से सोच भी सकते हैं, जो आपकी विचार शक्ति को भी मजबूत करता है। यह प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए रोड का उदाहरण ले लीजिए। सन 1800 के दशक के शुरुआती दौर में एक अंग्रेजी इंजीनियर ने देखा कि गंदगी वाली सड़कों पर व्यापार करना और मालों का ट्रांसपोर्टेशन करना मुश्किल था, तो उन्होंने रोड को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए चट्टानों की परत के साथ सड़कों को कोट करने की एक नई विधि को विकसित किया। यह प्रयोग सफल रहा और लोगों को यह आइडिया पसंद आया, और लोगों को भी यकीन हो गया कि अगर रास्ता बेहतर हो तो व्यापार भी बेहतर हो सकता है। इसी तरह जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब आप अपने शरीर में इसी तरह का इम्प्रूवमेंट पाते हैं। एक्सरसाइज आपके शरीर के भीतर के अनदेखे कचरे को दूर करने में आपकी मदद करती है, जिससे आपके शरीर की रक्त कोशिकाएं बिना किसी अवरोध के कोशिका रूपी रोड के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह विटामिन्स और मिनरल्स को ट्रांसफर कर सके। साथ साथ एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में BDNF नाम का हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगता है, जो आपके शरीर को हेल्दी रखने में काफी मदद करता है। ये BDNF नाम का ग्रोथ हार्मोन्स इतना पावरफुल है कि जिसके जरिए आपके न्यूरॉन्स हेल्दी रह सकते हैं, और ये हार्मोन्स आपके शरीर में नए सेल के सृजन की क्रिया में भी काफी मददगार हैं। सो यही साइंटिफिक रीजन है कि एक्सरसाइज आपके ब्रेन और बॉडी को रिबस्ट पावरफुल मशीन बनाने में काफी उपयोगी शस्त्र है, जिसे हमें हर दिन यूज करना चाहिए। रूल्स नंबर 2, सर्वाइवल। द ह्यूमन ब्रेन डेवलप बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम। हमारा ब्रेन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बना है। हमारी प्राचीन संरचना पहले से ही इसी तरह विकसित हुई है। जब हमारे पूर्वज आदि मानव थे तब उन्होंने दूसरे जीवों से खुद का रक्षण कैसे करें उसके लिए काफी संघर्ष किया था, जो संघर्ष की वजह से ही हमारा ब्रेन दूसरे जीवों से अधिक विकसित हो पाया है। यानी कि जितने आप चैलेंजेस लाइफ में फेस करोगे उतना आपका ब्रेन और डेवलप होगा। रूल्स नंबर 3, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उन्होंने सन 1994 में बास्केटबॉल को छोड़ दिया और बेसबॉल खेलने लगे। आश्चर्य तब हुआ जब बहुत बुरी तरीके से उनको हार का सामना करना पड़ा। आप सोच रहे होंगे कि माइकल जॉर्डन जैसे प्रतिभावान खिलाड़ी किसी भी गेम में दूसरों को मात कर सकते हैं, पर यह केस में बेसबॉल में हार मिलने के बाद उन्होंने मान लिया कि उनके लिए सिर्फ बास्केटबॉल ही पर्याप्त है, और वो वापस बास्केटबॉल खेलने लगे, जिसके लिए ही उनका शरीर और ब्रेन तैयार हुआ था। यह घटना से तात्पर्य यह निकलता है कि हमारे एक्सपीरियंस न केवल हमारे ब्रेन को चेंज करते हैं पर उसे रीवायर भी कर देते हैं। यानी कि हम सबके ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जो आपकी क्षमता है वो मेरी ना भी हो, दुनिया में दो लोगों के ब्रेन कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। यहाँ तक कि जुड़वा लोगों के ब्रेन भी अलग ही होते हैं। हर एक छात्र दूसरों से अलग होता है, हर एक एम्प्लॉयज का ब्रेन अलग होता है, हर एक कस्टमर्स का ब्रेन भी अलग अलग होता है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में आज भी यह प्रॉब्लम है।
सबको ग्रेड सिस्टम के आधार पर सबके ब्रेन जैसे एक समान हो उसी तरह छात्रों का मूल्यांकन होता है, जो गलत है। हर एक स्टूडेंट्स को उनकी योग्यता और कार्यक्षमता के आधार पर आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि आज के समय की डिजिटल एडवर्टाइजिंग मीडिया अब इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को एक बार गूगल पे सर्च करोगे तो आपके फोन, कंप्यूटर, टीवी सब जगह पे वो कंपनी की एडवर्टाइज दिखाई देगी। एडवर्टाइजिंग मीडिया भी समझ चुकी है कि जो व्यक्ति को जैसी पसंद होती है उसको उसके आधार पे ही एड्स दिखानी चाहिए। इसी तरह अगर आपको भी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपकी कार्यक्षमता को पहचाने और सही निर्णय लेने का प्रयास करें, ना कि दूसरे लोग जैसा कर रहे हैं वैसा आप भी करने लग जाएं। रूल्स नंबर 4, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग। कि आप महसूस कर सकते हैं कि आपके पैर पे अभी क्या चल रहा है। अभी तक आपने शायद ध्यान ना दिया होगा, पर जैसे मैंने कहा आपका ध्यान तुरंत वहां पर चला गया होगा। उससे पहले आपने उसके लिए ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि आपको वो जरूरी नहीं लगा था। उसी तरह आपके ब्रेन में हजारों न्यूरॉन्स मौजूद हैं जो हर पल आपका ध्यान खुद की ओर खींचने की कोशिश करते रहते हैं, पर उसमें से कुछ होते हैं जो आपका ध्यान अपनी ओर खींच पाने में सफल होते हैं, बाकी को आप नोटिस तक नहीं करते। जैसा आपने अभी पैर के एग्जाम्पल में महसूस किया, हमारे पास कई कॉग्निटिव सिस्टम्स हैं जो हमारे खतरे, अवसर और इसी तरह के पैटर्न को समझने में हमारी मदद करते हैं। हमारे ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए और सतत विकसित होने के लिए ऐसे कार्यों की आवश्यकता आदिकाल से थी। यदि हमारे पूर्वज सभी इन्फॉर्मेशन या घटना को याद रखते और अगर उनमें भूलने का गुण ना होता तो हम काफी सारे ऐसे दुखों को भी नहीं भूल पाते जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, और हम हमारी वंशावली के यह क्रम को आगे ही नहीं बढ़ा पाते क्योंकि हम वो दुख से ही घिरे रहते हैं। इसीलिए हमारा ब्रेन सिर्फ मीनिंगफुल काम की चीजों को ही याद रखता है और दूसरी इन्फॉर्मेशन को समय रहते भूल जाता है या याद नहीं करता। इसी तरह मल्टीटास्किंग के लिए भी हमारा ब्रेन कैपेबल नहीं है। जब हम एक साथ ज्यादा काम हमारे ब्रेन को देते हैं तब वो कंफ्यूज हो जाता है और हमारे ब्रेन सेल तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाता, जिससे काम में गड़बड़ी हो जाती है। एक एग्जांपल से यह बात को समझते हैं। मान लीजिए आपको रेनकोट, सैंडल, सनग्लासेस, बीच, स्विमिंग सूट, बोट, ये सभी शब्दों को लंबे समय तक याद रखना है तो क्या आप याद रख पाएंगे? शायद नहीं। पर अगर आप इस तरह से याद रखेंगे तो क्या होगा, जैसे कि आप बारिश में रेनकोट पहन के जा रहे हैं, आपके पैरों के सैंडल से पानी उड़ रहा है, आपने भूरे रंग के सनग्लासेस पहने हैं और आप सभी बीच पे से जा रहे हैं। आपने अभी ही एक आदमी को स्विमिंग सूट पहने हुए बोट में जाते हुए देखा है। अब ये दोनों सेंटेंसेस में से कौन से एग्जांपल आप लंबे समय तक याद रखने में सफल हुए, कमेंट करके अभी ही बताइए। साइंटिफिक रिसर्च में ये साबित हुआ है कि हमारा ब्रेन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रख सकता है, पर बोरिंग चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में दिक्कत आती है। इसीलिए अगर आपको भी अपनी याद शक्ति तेज बनानी है तो आपके ब्रेन को इंटरेस्टिंग तरीके से वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचानी है, ना कि बोरिंग तरीकों से। रूल नंबर 5, रिपीट टू रिमेंबर। हमारा इंसानी दिमाग सिर्फ कुछ एक लाइन जितनी ही इन्फॉर्मेशन सिर्फ 30 सेकंड के लिए याद रख सकता है, यानी कि हमारा ब्रेन कुछ चंद सेंटेंस ही याद रख सकता है। अगर आप ये 13 सेकंड्स के टाइम बार को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वो इन्फॉर्मेशन को बार बार दोहराना होगा। उसका मतलब है कि अगर 2 घंटे तक की इन्फॉर्मेशन को आप याद रखना चाहते हैं तो आपको हर 10 मिनट के बाद पढ़ा हुआ वापस दोहराना होगा। 19वीं सदी के जर्मन साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिंगहॉर्स ने पाया कि छात्रों को आमतौर पर 30 दिनों के भीतर कक्षा में जो भी कुछ सिखाया जाता है उसका 90% वो लोग भूल जाते हैं। हालांकि उन्होंने साबित कर दिया कि जब वे उसे नियमित रूप से दोहराते हैं तो छात्र वो जानकारी को अधिक कुशलता से लंबे समय तक याद रख सकता है। कुछ समय ब्रेक लेकर आपके ब्रेन को यह एहसास करवाइए कि आपको वो जानकारी को वापस दोहराना है, और यह करना महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा नहीं करते तब आपका ब्रेन यह सोचता है कि वो इन्फॉर्मेशन बिन उपयोगी है और वो उसे दोबारा याद नहीं करेगा। जब आपका ब्रेन किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को पहली बार जाने तो उसके बाद उसे बार बार रिपीट करें, जिससे आप वो इन्फॉर्मेशन को बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। इसीलिए अगर आप पढ़ा हुआ सब कुछ लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो आज से ही पढ़ने के बाद 15 से 20 मिनट वो सब पढ़ा हुआ एक बार रिपीट कर लें। आपकी ब्रेन मेमोरी पहले से भी तेज हो जाएगी। रूल नंबर 6, स्टडी और लिसनिंग द म्यूजिक दैट कैन इम्प्रूव योर ब्रेन पावर। एक साइंटिफिक रिसर्च में पता चला कि अगर आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं या म्यूजिक सीखते हैं तो आपका ब्रेन दूसरों के मुकाबले ज्यादा ग्रो होता है। म्यूजिक स्ट्रेस को कम करने और मन को शांत करने में बहुत उपयोगी है, और आपने शायद यह महसूस भी जरूर किया होगा। आज एक प्रयोग जरूर करें। जब भी आपको आज काम करने का मन ना लगे तो एक बार आपकी पसंद का कोई एक सॉन्ग सुन लेना
और फिर आप जो काम कर रहे हैं वो करने तुरंत बैठ जाइए और देखिए आपको फिर काम करने का मन होता है या नहीं। 100% आपका माइंड शांत हो जाएगा, आज ही जरूर ट्राई करें। रूल नंबर 7, स्लीप वेल थिंक वेल। जब हम सो जाते हैं तब हमारा ब्रेन कभी भी रेस्ट नहीं लेता, वो 24 आवर्स काम करता रहता है। हम जब नींद में होते हैं तब भी हमारा ब्रेन कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता रहता है। अगर हम अच्छी नींद ले लेते हैं तो हम वो नींद में भी हमारे ब्रेन को डेवलप कर रहे होते हैं। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तब हमारे मन और शरीर पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। एक रिसर्चकर्ता ने कुछ सोल्जर्स पे एक परीक्षण किया जिनमें उनको एक जटिल मिलिट्री मशीन को चलानी थी। पहले दिन उनको कम नींद दी गई और फिर उनका टेस्ट लिया गया तो रिसर्चकर्ता ने पाया कि सोल्जर्स के संज्ञानात्मक कौशल में 30% की हानि हुई थी। फिर दूसरे दिन पर्याप्त नींद के बाद वापस टेस्ट लिया गया तो उन्होंने पाया कि उनकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी हुई है और उन्होंने बिना परेशानी से वो मशीनरी के टेस्ट को पास कर लिया। तात्पर्य यह एग्जाम्पल से यह निकलता है कि हमें पर्याप्त नींद की आवश्यकता है। क्या आपको दोपहर को नींद आती है? अगर हाँ तो ये नॉर्मल है क्योंकि हमारा ब्रेन उस पल कुछ समय के लिए आराम चाहता है। इसीलिए आज से अगर दोपहर को आपको नींद जैसा कुछ आने लगे तो आपको कुछ पल पावर नैप ले लेना चाहिए। एक साइंटिफिक स्टडी में यह पता चला है कि 26 मिनट्स हर दिन पावर नैप लेने से नासा के पायलट्स की परफॉर्मेंस 34% इंक्रीज हो गई थी। रूल नंबर 8, स्ट्रेस ब्रेन डोंट लर्न द सेम वे। आपने शायद ये जरूर महसूस किया होगा कि जब आप स्ट्रेस फील करते हैं तब आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम स्ट्रेस महसूस करते हैं तब हम हमारे सेंसेस को खो देते हैं। जब लोग स्ट्रेस महसूस करने के आदि हो जाते हैं तो वे अक्सर स्ट्रेस के कंट्रोल करने की फीलिंग्स को ही खो देते हैं। जब वो किसी बड़ी समस्याओं का सामना करने में असमर्थ हो जाते हैं तब वे खुद को असहाय महसूस कराते हैं। तनावग्रस्त लोगों का दिमाग इसी वजह से नया सीखना भी बंद कर देता है। साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन ने यह रिएक्शन को समझने के लिए सन 1960 में एक साइंटिफिक प्रयोग किया जिनमें उन्होंने कुछ एक प्रजाति के कुत्तों के ग्रुप को पसंद किया और हर दिन यह कुत्तों के ग्रुप को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाने लगा। शुरुआत में कुत्तों ने इलेक्ट्रिसिटी से खुद को बचाने के लिए काफी प्रयास किया पर समय के साथ साथ उनकी प्रतिकारक क्षमता नष्ट होने लगी और उन्होंने प्रयास करना छोड़ दिया। उसके बाद सेकेंड फेज में मार्टिन सेलिगमैन ने यह कुत्तों को एक बॉक्स में रख दिया और बॉक्स के एक पार्ट को खुला रखा जिससे वो डॉग अगर खुद को बचाना चाहे तो वो वहां से भाग सके। पर जब यह प्रयोग वापस दोहराया गया तब कुत्तों ने भागने का प्रयास तक नहीं किया पर वो बॉक्स के कोने में जाके बैठ गए और चीखने लगे। वो चाहे तो वहां से भाग सकते थे पर उन्होंने कोशिश करना भी छोड़ दिया। उसकी मूल वजह उनके पहले के स्ट्रेस ही था। इसी तरह के स्ट्रेस में अगर हम भी ज्यादा समय रहे तो सोच सकते हैं कि हमारी हालत कैसी होती होगी। स्ट्रेस में ज्यादा समय रहना इसीलिए खतरनाक माना गया है क्योंकि ज्यादा स्ट्रेस हमारी विचार शक्ति को नष्ट कर देता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारा ह्यूमन माइंड सिर्फ 13 सेकंड तक ही स्ट्रेस को झेल सकता है। हमारा ब्रेन लंबे समय के स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बना ही नहीं है। ज्यादा स्ट्रेस आपके मेमोरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को बिगाड़ सकते हैं, आपकी स्किल को कमजोर कर सकते हैं और ज्यादा समय स्ट्रेस में रहे तो वो आपके इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम को भी कमजोर कर देते हैं। सो तात्पर्य यह निकलता है कि कुछ नियंत्रित मात्रा में स्ट्रेस हमारे लिए फायदेमंद है पर वो अगर हद से बढ़ जाए तो वो आपके लिए सबसे खतरनाक है। रूल नंबर 9, स्टिम्यूलेट मोर ऑफ द सेंस। क्या पढ़ाई करते समय संगीत सुन सकते हैं? यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो शायद इसीलिए क्योंकि आपका मस्तिष्क ऐसा करने में सक्षम हो गया है। फिर से हमारे पूर्वजों के जीवन के बारे में सोचें। हमारे पूर्वजों ने बिना व्याकुल लाके गुफाओं में पेंटिंग करते हुए अपने दिन बिताए और उस समय उनके ब्रेन को एक ही बार में कई प्रोसेसिंग करनी पड़ती थी, चाहे देखना हो, सुनना हो, स्मेल लेना हो या स्पर्श करना हो। हमारा ब्रेन बेहद शक्तिशाली है जिसका अर्थ है कि वे एक बार में कई इंद्रियों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने और उसे ग्रहण करने में सक्षम है। वास्तव में जब एक ही समय पे कई इंद्रियां एक्टिव हो जाती है तो उनकी कार्य क्षमताएं बढ़ जाती हैं। एक रिसर्च में पार्टिसिपेट्स को एक लेक्चर जिसमें एक व्यक्ति बोल रहा था वो वीडियो के माध्यम से दिखाया गया, वो भी किसी भी तरह के साउंड के बिना। दिलचस्प बात यह है कि उस समय पार्टिसिपेट्स के ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिव हो गया जो साउंड को प्रोसेस करता है। फिर भी जब वो पार्टिसिपेट्स को बिना आवाज के सिर्फ चेहरा दिखाते हुए वीडियो को दिखाया गया तो उस समय पार्टिसिपेट्स की सुनने की सभी इंद्रियां निष्क्रिय थी। दूसरे शब्दों में कहें तो विजुअल हमारे ब्रेन के उन हिस्सों को सक्रिय कर सकती है जो आम तौर पे साउंड की प्रोसेसिंग करते हैं। यह प्रयोग से सिद्ध हुआ कि हमारी इंद्रियां जुड़ी हुई है, वो एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को एक्टिव कर सकती है।
साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड मेयर ने अपने एक प्रयोग में कुछ सूचनाओं को तीन लोगों के समूह में अलग अलग कर बांट दिया। पहले समूह ने केवल वो सूचनाओं को सिर्फ सुना, दूसरे समूह ने केवल उसे देखा और तीसरे समूह ने वो सूचनाओं को सुना और देखा भी। अध्ययन से पता चला कि तीसरा समूह उन सूचनाओं को याद करने में बेहतर था क्योंकि उन्होंने तीनों सेंस का उपयोग कर वो सूचनाओं को विजुलाइज किया था। तो हमें भी हमारे ब्रेन को तेज बनाना है तो हमें हमारे पांचों सेंस का यूज करना चाहिए। अपने पाठ्य पुस्तक को सिर्फ पढ़ने की बजाय उसके बारे में YouTube पे वीडियो देखने में बुरा ना माने, क्योंकि वीडियो विजुअल आपको सीखने में और लंबे समय तक याद रखने में काफी मदद कर सकते हैं। रूल नंबर 10, अ विजुअल सेंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट। हम सब लंबे समय तक किसी भी इमेज को याद रखने में बड़े माहिर हैं। यह फैक्ट है कि अगर यह बुक की समरी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो अगर सिर्फ आप पढ़ोगे तो आप सिर्फ उसमें से 10% ही एक दिन के बाद याद रख पाएंगे, पर अभी आप यह बुक समरी को एनिमेशन के माध्यम से विजुअली देख रहे हैं सो आप यह बुक समरी को 3 दिन के बाद भी 65% से भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को याद रख पाएंगे, है ना आश्चर्य की बात। एक एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्टों ने पार्टिसिपेंट्स को 2000 से भी ज्यादा इमेज 10 सेकंड के इंटरवल में दिखाई गई। कुछ दिन बाद यह पार्टिसिपेंट्स को वो इमेज याद करने को कहा गया, तब आश्चर्यजनक रूप से पाया गया कि उन्होंने 90% एक्यूरेसी के साथ वो इमेज को याद कर लिया था। एक साल बाद भी पार्टिसिपेंट्स का एक्यूरेसी रेट 63% हाई था, यानी कि लोग जब इन्फॉर्मेशन को सिर्फ सुनते हैं तो वो सिर्फ 10% ही 3 दिन के बाद याद रख पाते हैं, पर जब वही इन्फॉर्मेशन को विजुअल और ऑडियो के साथ यानी कि वीडियो के माध्यम से देखा जाए तो वो इन्फॉर्मेशन 65% तक याद रह जाती है, जिसको पिक्चरल सुपीरियोरिटी इफेक्ट कहा जाता है। यह नियम कहता है कि हमारी विजुअल सेंस हमारे दूसरे किसी भी सेंस से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर है, जो हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा प्रभाव क्रिएट करती है। रूल नंबर 11, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। मेडिकल साइंटिस्टों ने रिसर्च के बाद पाया कि मेल और फीमेल दोनों के ब्रेन अलग अलग तरीके से काम करते हैं। उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में डिप्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है और पुरुषों में अल्कोहल और दूसरे व्यसनों का प्रमाण ज्यादा होता है। दोनों में स्ट्रेस को हैंडल करने की क्षमता भी डिफरेंट है। आगे ऑथर बताते हैं कि महिला ज्यादा सोशल होती है, दूसरी ओर पुरुषों को एकलता ज्यादा पसंद होती है। यानी कि तात्पर्य यह है कि हर एक सिचुएशंस को हैंडल करने की क्षमता पुरुष और महिलाओं में डिफरेंट होती है। रूल नंबर 12, वी आर पावरफुल नेचुरल एक्सप्लोरर्स। हम सबको घूमना बेहद पसंद है। नई नई जगह पे घूमने या ट्रैवल करने से हमारा माइंड खिलता है। हम सब दुनिया को करीब से जानने लगते हैं। इसीलिए अगर आपको घूमने का मन करे तो बन जाइए घुमक्कड़। बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे गूगल भी अपने एम्प्लॉय को अपने टाइम में से 20% टाइम उनको जहां जाने का मन करे वहां जाने की छूट देता है। अगर आपकी भी कंपनी है तो आपके यहां काम करने वाले कर्मचारी को कुछ समय दीजिए जिसमें वो कुछ टाइम फ्री होकर माइंड को फ्रेश कर सके। अगर माइंड फ्रेश होगा तो वो काम भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। अगर आप छात्र हैं तो 1-2 घंटे की पढ़ाई के बाद बीच में कुछ समय का ब्रेक ले लीजिए, जैसे कि 5-10 मिनट, और उस समय में कुछ 1-2 चक्कर आपके घर के बाहर लगा कर आइए। आपका माइंड तुरंत फ्रेश हो जाएगा जिससे आप पढ़ाई में भी अच्छी तरह ध्यान लगा पाएंगे। सो दोस्तों, अंत में यह बुक के 12 रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो डेफिनेटली हम हमारे ब्रेन को 10 गुना और तेज कर देंगे। कमेंट में आपको कौन सा रूल्स सबसे ज्यादा पसंद आया वो जरूर शेयर करें। अगर आपको यह जॉन मरीना की बेस्ट सेलर बुक ब्रेन रूल्स की समरी पसंद आई हो और आप यह 12 ब्रेन रूल्स को और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप यह बुक को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से परचेज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप इसी तरह की बुक समरी की वीडियो आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।